अगर आप रोज़ एक ही नाश्ता खा के बोर हो गए हैं तो आज हम आपके साथ सोए साग की बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो सोए साग की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम सोया साग लिया है और इसे अच्छे से पानी से धो के इसे सुखा लिया था। तो पहले हम सोए को अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। तो इसकी जो ऊपर की मोटी डंठल होती है उसे हम हटा देंगे और चाकू से इस तरीके से बिल्कुल बारीक काटेंगे। जितना बारीक हो सके आप इस साग को काटें, इससे जो हम नाश्ता बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक सोए साग को अच्छे से काट लिया है। तो और इसी के साथ हमने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है जिसको हमने इस तरीके से पतला पतला लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हम इसके लिए यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक, 6 से 7 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन और एक छोटा प्याज है जिसको हमने पहले से छील के रखा था, इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अदरक, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन इसको मिक्सी जार में डाल के इस तरीके से दरदरा आपको पीस लेना है। इससे ये नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो हमने इसे यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम यहाँ पे लेंगे एक बोल में 2 कप बेसन। तो बेसन को हमने पहले से अच्छे से छान के रखा था और इसमें अब हम 1 कप पानी डाल देंगे। बेसन को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा पानी डालें उसके बाद बेसन को अच्छे से घोलें। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक विस्कर की मदद से इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप इसे चाहो तो हाथ से भी अच्छे से फेंट सकते हो, हम यहाँ पे विस्कर से अच्छे से फेंटेंगे। हमें बेसन को तब तक फेंटना है जब तक बेसन हल्का ना हो जाए फूल के और इसका कलर पहले से हल्का ना दिखने लगे। तो बेसन को हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से लगातार हमने फेंट लिया है और देखें पहले बेसन का कलर ज़्यादा डार्क था, अब बेसन का कलर हल्का हो गया है और बेसन अच्छे से फूल गया है। इतना गाढ़ा आपको बेसन फेंट लेना है। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि बेसन हमारे अच्छे से हमने फेंटा है कि नहीं। 1 कप में पानी लीजिए और 1 बूंद बेसन डालिए। बेसन ऊपर तैर रहा है इसका मतलब बेसन हमने अच्छे से फेंटा है। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डालें, 1 चम्मच नमक बेसन में डालें और जो हमने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज को पीसा हुआ था उसे डाल के इसे अच्छे से विस्कर से फिर से एक बार मिला लीजिए। अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स कर दीजिए ताकि नमक बेसन में अच्छे से मिल जाए। और इसे हम फेंटने के बाद अब हम इसमें जो हमने बड़े टुकड़ों में प्याज बड़ा बड़ा काटा था उसे डाल दें। अगर आप प्याज खाते हो तो थोड़ा और डाल सकते हो। हमने 1 प्याज को काट के लंबा लंबा डाला है और जो हमने सोया साग को काट के बारीक रखा था उसे भी हम बेसन में डाल देंगे और इसे अच्छे से फेंट लीजिए। तो हम इसमें पानी बिल्कुल अभी नहीं डालेंगे, बस इतना ही गाढ़ा हम इसे रखेंगे। हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी वरना ये जो लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा पतला बन जाएगा। तो हमें ज़्यादा पतला बेसन नहीं करना है, बस इसे अच्छे से मिला लेना है। सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिला लिया है। इसके बाद हम गैस में कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है। तेल जब आपका गरम हो जाए तो आप फ्लेम को मीडियम रख दीजिए और इस तरीके से बेसन में इसे डालते जाइए कढ़ाई में। तो यहाँ पर जैसे हम पकौड़े तलते हैं बस उसी तरीके से हमें एक एक करके कढ़ाई में इसे डालना है। थोड़ा दूर दूर डालें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और कढ़ाई में जितना तेल है उस हिसाब से जितनी कढ़ाई में जगह है आप इस तरीके से सारे पकौड़े डालें। तो जितनी कढ़ाई में जगह है बस उतना ही डालें, आप इसे ढेर काफ़ी सारा ना डालें वरना ये आपस में चिपक जाएगा और ये जो पकौड़ियाँ हमारी हैं ये फूलेंगे नहीं। तो बस जितनी जगह हो उतना हमने इसमें डाल दिया है और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर एक तरफ पकने देना है। तो देखिए अच्छे से जब पकौड़ियाँ यहाँ पर फूलने लगे तो आप इसे पलट दीजिए। कुछ सेकंड पकने के बाद ही पकौड़ियाँ अच्छे से यहाँ पे फूलना शुरू हो गई हैं और अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से पलट के आप इसे फ्राई करें जिससे ये अंदर तक पके, ऊपर तक ऊपर से ना पके और दोनों तरफ ये अच्छे से पके, कहीं से कच्ची ना हो। तो देखिए इसी तरीके से दोनों साइड अच्छे से बीच बीच में आप इसे मिक्स करिए और हमने यहाँ पर इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और दोनों तरफ देखिए कलर भी बढ़िया सा दिख रहा है, पकौड़ियों का कलर पहले से चेंज भी हो गया है। तो बस इसे हम तेल से निकाल लेते हैं। एक छन्नी लीजिए और उसमें पकौड़ी निकालें और जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसे आप निकल जाने दें, उसके बाद आप इसे प्लेट में रखें। इससे ये ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगा। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। तो इसी तरीके से अब हम फिर से इसे बनाएंगे
तो कढ़ाई में फिर से आप जैसे पकौड़ियाँ डालते हैं उस तरीके से इसे डालें। आप चाहो तो इसे चम्मच से भी डाल सकते हो, क्योंकि बेसन हमारा ज़्यादा पतला है नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए, जब आप इस पकौड़ियों को बनाएं तो जो आप बेसन को फेंटें तो बेसन को 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंटें, और बेसन को तब तक फेंटें जब तक कि बेसन का कलर हल्का नहीं हो जाता। जितना आप बेसन को फेंटेंगे यहाँ पे ये पकौड़ियाँ उतनी ज़्यादा खाने में बढ़िया बनेंगी और काफ़ी फूली फूली बनेंगी। तो बस इसका एक ही है कि आपको बेसन अच्छे से फेंटना है, और बेसन को डाल के पानी में चेक कर लीजिए जैसा कि हमने आपको दिखाया। और तेल में हमने यहाँ पे सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। उसके बाद आप जब एक तरफ ये पकने लगे और जब ये फूल जाए तो आप इसे पलट दीजिए। देखिए पकौड़ियाँ अपने साइज़ से डबल दिख रही हैं, अच्छे से फूल रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसन को अच्छे से फेंटा था। और इसके जो सोया साग हमने इसमें डाला है उसकी खुशबू भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाएं सोया साग की, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी मार्केट में सोया साग बहुत आसानी से मिल रहा है, काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपको पकौड़ी खाने का मन है तो आप इस तरीके से इसे फटाफट से बना सकते हो। सिर्फ 5 से 10 मिनट में बन जाएगा। तो जब पकौड़ियों का कलर चेंज हो जाए और ये पक जाए तो आप इसे छन्नी में निकालें, एक्स्ट्रा बचा हुआ तेल निकल जाने दें, और ये देखें काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए आप इसे चाहो तो चाय के साथ खा सकते हो, या इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो। तो अब हम आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही जालीदार बनी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, आप हमें कमेंट करके बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।